अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर अली और इस टाइम मैं दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक जगह पाकू में आया हुआ हूँ और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये सब फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में भी तकरीबन मौजूद है, लेकिन हम वहाँ इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे काम और मसरूफियत से हम कैद होते हैं, तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग बहुत से सवालात करते हैं जिनके मैं जवाब दे नहीं पाता क्योंकि मैं मगन होता हूं आप लोगों को एंटरटेन करने में और प्रैंक बनाने में मैं मगन होता हूं। तो आज चाह रहा हूं कि आपके कुछ सवालात के जवाब दूं। हम लोग जब घरों से निकलते हैं अपने, तो मेरे साथ मेरी काफ़ी बड़ी सी टीम है जो कि छुप जाती है लोकेशन पर जाके, और सारी चीज़ों को हम वॉकी टॉकी हमारे पास होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ और हम लोग निकलते हैं और अपनी लोकेशन को ढूंढते हैं, जो लोकेशन हमें चाहिए होती है, फिर उसके बाद वो गेटअप करते हैं, शुरू हो जाते हैं प्रैंक करना। ज़्यादातर लोग जो सवाल करते हैं वो ये कि आपको लोग नहीं पहचानते तो हम जब शूट पे निकलते हैं कोशिश में ये पहले ये करता हूँ कि मैं या जो मैं करेक्टर उसका गेटअप कर लूँ ताकि पहचान में ना हो, और अगर लोग पहचान भी जाएं तो हम उनसे प्रैंक नहीं करते, हम वो एडिट कर देते हैं। मिसाल के तौर अगर कोई बंदा आ रहा है जिससे मैं प्रैंक कर रहा हूँ और वो पहचान जाता है तो प्रैंक के बीच में लगाते नहीं है, तो लोग जो बोलते हैं कि यार आपको लोग नहीं पहचानते तो वो पोर्शन ही नहीं लगाते हम। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम बन गई है जिसमें हमारे साथ अहमद खान भी होते हैं जो कि मैं समझता हूँ फाउंडर मेंबर है, उसकी बुनियाद डालने वाले बंदों में से एक अहमद। जब मैंने सोचा था तो पहला बंदा अहमद था जिसको मैंने ये आइडिया बताया था कि मैं पी फॉर पकाऊ ऑडियंस के लिए मैं ये सोच रहा हूँ और लेके आना चाह रहा हूँ, तो अहमद ने सेकंड किया था और अहमद मेरे साथ आया था। फिर उसके बाद रिजवान जो है, रिजवान एक फ्लैट में जहाँ रिजवान रहता था वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा स्कूल का फ्रेंड रहता था, तो मैं वहाँ गया तो ये घूम रहा था छोटा सा नाली वाली से निकल के पता नहीं कहाँ जा रहा था, तो मैंने इसे देखा तो मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा यार तुम मेरे साथ काम करोगे, तो इसने कहा करेंगे, मैं कहा मुझे जानते हो, बोला नहीं मैं नहीं जानता, उसने छुट मुँह पे बोल दिया मैं नहीं जानता तो रिजवान को मैंने वहाँ से रिजवान को पिक किया। आसिम सन्नाटा जो है, आसिम सन्नाटा तकरीबन 1.5 साल पहले आया है और मैं एक दफ़ा आपको याद होगा एक प्रैंक था डोंकी मीट प्रैंक, उसमें आसिम सन्नाटा था, तो वो आसिम सन्नाटा का पहला प्रैंक था। मैं प्रैंक कर रहा था तो कसाई की दुकान मुझे नहीं मिल पा रही क्योंकि कोई कसाई वाला दे नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने थीम बताई थी उसे कि ये गधे का गोश्त बना के तुम्हारा बेचूंगा तो सारे बोल रहे थे कि हम बदनाम हो जाएंगे, तो मैंने आसिम सन्नाटा गुजरा और वहाँ से इत्तफाक से, तो मैंने कहा यार कहीं से कसाई की दुकान बनाए, तो उस इलाके में बड़ी बदमाशी थी आसिम सन्नाटा की, तो आसिम ने कहा चलो आ जाओ, मैंने कहा आप भी एक काम करें आप भी मेरे साथ आ जाएं और इसमें करेक्टर बनकर बैठे, तो मैंने आसिम को सोचा भी नहीं था कि आसिम का ये जो काम मेरे साथ शौकिया कर रहा है वो पेजा बन जाएगा। We can choose our friend but we can't choose our neighbor. ये जुमला जो है हमारे पड़ोसियों के लिए है, और मेरी जितनी ऑडियंस इंडिया में है मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके साथ साथ मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि वहाँ के लेजेंडरी कुछ सेलिब्रिटीज़ और कॉमेडियन ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसमें जॉनी लीवर साहब हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोले थे और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनका। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इंटरटेन कर सकूँ और इंटरटेन करता रहूँगा।
आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसके बदले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हंसा हंसा के गिरा सकूं, बेड से, चेयर से, बिस्तर से, कहीं से भी हंसा कर गिरा सकूं। और जब भी आप नादिर अली का नाम सुने तो आप लोगों के चेहरों पे स्माइल आए। दैट्स इट। पी फॉर पकाओ को सब्सक्राइब करें। پی‌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 پی
Pakistan, p4pakao Pakistan, and the dostlar, hoş geldin, and the dostlar, şükriye.